अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ चेन्नई के बिग मॉस्क में। वालाजा बिग मॉस्क इस मस्जिद का नाम है, वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन चेन्नई। सो इसका ये ग्राउंड है, इतना बड़ा सा इसका ग्राउंड है। अभी यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे घर ढूंढने के सिलसिले में घूम रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से बात किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी हुआ है कि घर दिखाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत कोऑपरेटिव है। बस थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो उर्दू समझते हैं। देखते हैं, आज फर्स्ट डे ही था, कितनी जल्दी मुझे घर मिलता है। आपको फिर से मैं मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ। ये मैं मस्जिद के पास पहुँच चुका हूँ। ये गेट है मस्जिद का, है ना, अंदर से भी आपको कोशिश करूँगा दिखाने का। बहुत बड़ी बड़ी मीनारें हैं और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो रात में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, तो इसके लिए मैं दूसरे दिन यहाँ पे डे में आया था नमाज़ के लिए। तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी। ये अंदर से व्यू है वालाजा मॉस्क की। लगभग 300 से 400 लोग एनी टाइम इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर बाहर का ग्राउंड यूटिलाइज होता है जब नमाज़ के लिए, जैसे ईद या बकरीद की नमाज़ होती है, तो लगभग 2000 लोग तक यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी है ये मस्जिद की। ये वज़ू खाना है बाहर साइड में मस्जिद के बना हुआ है, यहाँ आप वज़ू कर सकते हो। और जिनको नल में वज़ू करना ठीक लगता है, वो नल भी यूज़ करके यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, ये पूरा मस्जिद का ग्राउंड है। शाम को आप देखोगे यहाँ पे आके, तो लोग यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। कभी मॉर्निंग में देखोगे तो बच्चे साइकिलिंग वगैरह करते हैं। नॉर्मली नमाज़ के लिए तो ये तब यूटिलाइज होता है जब कोई, जैसे ईद की नमाज़ हो या बकरीद की नमाज़ हो, तब ये एरिया यूटिलाइज होता है, अदरवाइज़ खाली रहता है। यहाँ पे कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है, कबूतर बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। तो यहाँ पे लोग गेहूँ या दाल वगैरह डाल देते हैं, तो कबूतर लोग अपना यहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो ये था वालाजा मॉस्क चेन्नई का। आप कभी यहाँ पे अगर आना होता है तो विज़िट ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा जगह है, यू विल फील गुड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुआ की दरख्वास्त।